न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। हरिद्वार में होली के त्योहार के करीब आते ही अवैध शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं और बड़े पैमाने पर अवैध शराब का काला कारोबार करते हैं और इसी को देखते हुए आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आबकारी विभाग होली से पहले अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रहा है और जिसके तहत अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कर कसी जाएगी और इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा कई टीमें बनाई गई हैं और साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा का कहना है कि आबकारी विभाग होली से पहले बड़े पैमाने पर अभियान चलाने जा रहे हैं और जिसके तहत अवैध शराब के अड्डों को नष्ट किया जा सके। होली के पहले विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अवैध शराब के अड्डे हैं, बेचने के अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। लगातार अभियान कई महीनों से चल भी रहा है तो यही कोशिश है कि होली का पर्व शांतिपूर्वक निपटे और हम इस पर जो पूरी प्रभावी कार्रवाई करें। अलग से टीमें बनाई जाएंगी और निश्चित तौर से और अपराध रोधक क्षेत्र की हमारे लक्सर में, रुड़की में और हरिद्वार में टीमें बनेंगी। जनपदीय एनफोर्समेंट की टीमें भी संयुक्त रूप से काम करेंगी तो उस पर विशेष फोकस है कि जो पथरी नाले के आसपास के इलाके हैं जो काफी प्रभावित रहता है, हरिद्वार का क्षेत्र है, लक्सर का, खानपुर का इलाका है। चले रुक करते अगली खबर की ओर। डोईवाला तहसील में उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने सोमवार को विधुर और विधवा की उनकी रजामंदी के बाद ही शादी करवाकर शादी का प्रमाण पत्र देकर एसडीएम कोर्ट की पहली कोर्ट मैरिज कराई तो क्षेत्र में एसडीएम के इस कार्य की जमकर सराहना की जा रही है। वहीं मंगलवार को डोईवाला तहसील परिसर में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और तहसीलदार मोहम्मद शादाब की उपस्थिति में नवविवाहित जोड़े ने मैती आंदोलन के तहत शादी को यादगार बनाते हुए लीची का पौधा रोपण किया है और एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने इस नव दंपति को आशीर्वाद देकर भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर दंपति के परिजन और तहसील कर्मी मौजूद रहे हैं। हाँ, जो है कल मेरे कोर्ट में एक ऐसा प्रकरण आया था कि यहाँ पर रिसम माझी गाँव है, वहाँ का लड़का है सुभाष और एक ही पर इसी तहसील के कुड़का वाले गांव की एक लड़की है अलका रानी। उनके वो दोनों के दोनों जो है शादी के इच्छुक हैं और दोनों की पहली शादी में किसी तरीके से वो विधवा हो गई थी और वो विधुर हो गया था, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी तो दोनों को मतलब सामाजिक उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा थी तो मुझे किसी के द्वारा हमारे स्टाफ में जानकारी दी तो मैंने कहा उनसे संपर्क कीजिए और उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया यहाँ पर और उनकी जो कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया है वो फाइल हमने तैयार की और तैयार करने के पश्चात वो जो है उसको जो है विधिवत तरीके से उनकी कोर्ट मैरिज करवाई गई और यहीं पर जयमाला कार्यक्रम करवाया और आज हमने मैती कार्यक्रम। होली का पर्व आते ही मिलावटखोरों की चांदी कटने लगी थी है और इसी को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी दुग्ध पदार्थों खासकर मावा आदि की चेकिंग का अभियान और तेज कर दिया है। अभियान के तहत ही जगह जगह चेकिंग की जा रही है और इसी क्रम में ही तड़के होली विशेष अभियान के तहत मंडी चौकी के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया है और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया है कि ठाकुरा द्वारा ही ग्राम बकावला से लाए जा रहे मावे को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंडी चौकी पर रोक कर मावे का सैंपल लिया है और जांच हेतु भेज दिया है और दो कट्टे मावे को मौके पर नष्ट किया गया है। देखा गया कि होली के दौरान जो है मावे की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग जो है इसमें जो है मिलावट के करने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो विभाग इसके लिए जो है सतर्क है और निरंतर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जो हम आज हमने सुबह 4 बजे से काशीपुर में वाहनों की चेकिंग करी है तो हमारे 1.25 क्विंटल खोया पकड़ा गया है जिससे हम नमूने ले जा रहे हैं। आम जनता से मेरा निवेदन है कि जब वो किसी भी दुकान में खोया खरीदने जाएं तो भली भांति देखें कि उसमें दूध का स्वाद आ रहा नहीं आ रहा, कोई कड़वापन तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो वो विभाग को जो है इसकी सूचना दें और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे लक्ष्मण झूला थाने आई और इस दौरान उन्होंने थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है और इस दौरान एसएसपी ने साफ सफाई के और ज्यादा बेहतर इंतजाम करने के निर्देश थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई को दिए हैं और इसके अलावा अभिलेखकों की भी जांच में सब कुछ ठीक ठाक पाए जाने पर एसएसपी ने थाना पुलिस की तारीफ की है और वहीं
हथियारों की हैंडलिंग भी कराई गई है और थाना परिसर में खड़े सीज वाहनों का जिक्र निस्तारण करने के लिए कहा गया है। और वहीं जर्जर हो चुकी बिल्डिंग को देख उन्होंने पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की है। प्रभारी निरीक्षक को नई बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजने के लिए निर्देशित किया। आज थाना लक्ष्मण झूला का वार्षिक निरीक्षण रखा गया था और मुआयने में एक तरह से पूरा जो थाना परिसर है उसको देखा गया, चेक किया गया। कुछ ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो डिसमेंटल होने के लायक हैं, तो उसमें क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर भेजे। जो माल रखे हुए हैं, स्पेशली जो हमारे एमवी एक्ट में सीज किए गए हैं, आरटीओ के द्वारा सीज किए गए हैं, उसके निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को बताया गया है। और इवन जो हमारे मालखाने में जो माल काफी समय से लंबित है, जो अब ट्रायल स्टेज पे नहीं रहे, उसके निस्तारण हेतु भी निर्देश दिए हैं। डोईवाला में मौजूद शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के पास ही जंगल से गुजर रही बिजली के लाइन से ही पोल में फैले करंट के चपेट में आकर एक भैंस की मौत हो गई है और सूचना पर ऊर्जा निगम कर्मियों ने ही मौके पर पहुंचकर लाइन को दुरुस्त किया है। ऊर्जा निगम डोईवाला के सहायक अभियंता एन एस नेगी ने बताया है कि मुआवजे की रिपोर्ट बनाकर ही शासन को प्रोसित किए जा रही है और पीड़ित को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। जंगल में लाइन गुजर रही है हमारी, है ठीक है। ये जानवर कई बार क्या आता है, पेड़ों से अपने आप को खुजाता भी है, इसका ये रीज़न भी हो सकता है। इसकी रिपोर्ट हम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होते हैं, विद्युत सुरक्षा निरीक्षक, शासन को भेजी जाएगी। तत्पश्चात ही उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है जो भी मुआवजा का प्रावधान हो वो उनको मिल जाएगा। तो जो लापरवाही भी सामने आ रही है, लापरवाही कैसे, अब चेक करते हैं कैसे, भाई जंगल में है, अब जानवर हो सके खुजाया हो उसमें। तो चार दिन पहले ही बताया जा रहा है यहाँ पे एक बकरी, किसी ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, आपने इमीडिएट मेरे को अभी बताया, मैं इमीडिएट रश करा। जूनियर इंजीनियर मेरे साइड पे, स्टाफ भी साइड पे, मैं भी साइड पे हूँ। जैसे अगर सूचना होती तो हम आते ना, इस तरह की कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली पहले। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य सचिव एस एस संधू ने ही पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर 28 से 30 मार्च तक ही रामनगर में प्रस्तावित G20 सम्मेलन के संबंध में उधम सिंह नगर और नैनीताल के ही अधिकारियों की बैठक लेते हुए सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव सिंधु ने कहा है कि राज्य के लिए ये गौरव का फल है और आपको बताते चले कि राज्य में ही G20 की टीम बैठकों का आयोजन होना है और रामनगर में ही होने वाले राउंड टेबल सम्मेलन में विदेशों से ही टॉप विज्ञानी पहुंचेंगे और चीप प्राइज टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस होगी। यहाँ मीटिंग है प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर 20 कंट्री के, उनकी 28, 29, 30 मार्च को यहाँ मीटिंग है। इसकी तैयारी के बारे आज शासन से मैं और बाकी अधिकारी आए हैं, तो हमने देखा कि एयरपोर्ट भी, इसको भी थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है और बाकी सड़कें और जहां उनकी मीटिंग होनी है वहां क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उसकी जानकारी के लिए आए हैं। एयरपोर्ट के बारे मीटिंग हो चुकी है, उनको बता दिया गया है क्या क्या करना है। अभी हमारे पास एक महीने का समय है और वो जो करेंगे, अभी हम रामनगर जा रहे हैं जहाँ मीटिंग होगी, उसकी तैयारी वहाँ देखेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन और उससे होने वाले नुकसान के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए जनपद मुख्यालय में वीडियो एल्बम रिलीज की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार नशे का आदि व्यक्ति अपना घर परिवार सब कुछ बेच देता है। और इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने लोगों से अपील की है कि नशे से समाज को बचाने के लिए लोक गायकों और पत्रकारों को समाज में एक बड़ी मुहिम छेड़नी चाहिए। वहीं इस मौके पर लोक गायक और संगीतकार सुंदर सैलानी ने भी लोगों का आभार जताया है और समाज में फैली हर समस्या को अपने गीतों से आगे लाने की बात कही है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सुंदर सैलानी जी की और उनकी टीम को कि आपने बहुत जो सामाजिक बुराई एक मध्य निषेध पे एक बहुत बढ़िया गीत बनाया निपे दारू। वास्तव में शराब पी के कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई बहनों की मांगे उजड़ी हैं और बहुत सारे लोग हमारे जो है अच्छे खासे लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए, उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और साथ साथ अपने परिवार का भी जीवन समाप्त किया है। इसलिए समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग गीत गाते हैं आजकल सिर्फ एक ही टाइप के गीत गाते हैं कि डीजे में चल जाए,
और कोई समाज को नहीं देखता है। समाज में दुनिया भर का नशा, ड्रग्स, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें व्याप्त हैं। तो मैंने ये कोशिश करी है इस गीत के माध्यम से, और मैं जितना मेरा कलाकार छे, जो भी कलाकार छे मेरा, सबको धन्यवाद कर दूँ। काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों ही मृत मवेशी बीमारियों को न्योता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काशीपुर की सड़कों पर लोगों का चलना दुर्लभ हो गया है। मरे हुए मवेशियों की दुर्गंध की वजह से ये सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, और स्कूली बच्चों का स्कूल आना जाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन न जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, और न ही कोई जनप्रतिनिधि लोगों की समस्या से छुटकारा दिला पा रहा है। स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और मरे हुए पशु से उठने वाली दुर्गंध वातावरण को प्रदूषित कर रही है। और जहां तक आपका मवेशियों का सवाल है, तो क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र रहा है, तो हम लोगों का तो ये प्रयास रहता है कि यदि हमसे कोई कहता है, हमारे पास कोई आता है, तो हम उसको तुरंत व्यवस्था यहां से नगर निगम से बनवाते हैं, और जहाँ भी उसको मवेशी को डाला जाता है वहाँ पूर्णतया जेसीबी गड्ढा खोदती है। लगता है कि यहाँ पर सरकार को एक कैमरा लगाना चाहिए, क्योंकि कैमरा लगेगा तो पता चलेगा कौन यहाँ पर मवेशी मरे हुए मवेशियों को गिरा जाता है। अब इतना बुरा हाल है कि इतने यहाँ पर इतनी तेजी, क्योंकि बदबू आ जाती है। आज भी आप जागते हुए देखेंगे तो 3-4 एनिमल्स जो हैं, मवेशी जो हैं, मरे पड़े हैं, और उनमें सड़न पैदा होती है, बदबू होती है, कुत्ते आ जाते हैं सामने, और मोटरसाइकिल वाले तो कुत्तों से टकरा कर गिरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल वाले स्पीड में निकलते हैं उस बदबू से बचने के लिए, तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। लाल कुमार तराई पूर्वी वन विभाग के ही डोली रेंज अंतर्गत बोर्ड खता जमनिया बीट में ही लकड़ी कटान करने के लिए जंगल में पहुंचे ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया, और जिसमें ग्रामीण जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है। भालू के हमले से जेल कैंपस शक्ति फार्म निवासी 36 साल परजीत मंडल पुत्र गौर मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया है, और घायल ग्रामीण का सितारगंज के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम लोग थे काम में, 6-7 आदमी थे हम लोग, वो टॉयलेट में गया हुआ था और थोड़ा दूर ही निकल गया वो, और भालू पता नहीं कहाँ से आया, वो उसको हमला कर दिया। ये है मैटर। क्या नाम है आपका? अनंत राय। फिल्म पुष्पा के जबरदस्त चर्चा में आई साउथ की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु मंगलवार को यहां शूटिंग के दौरान ही घायल हो गई हैं। उनके हाथों में गहरी खरोचें आई हैं और घाव भी बन गए हैं। और आपको बता दें कि 7 ताल के निकट ही सामंथा एक एक्शन दृश्य फिल्मा रही थी, और तब यह हादसा हुआ है। उन्हें अधिक चोट आ जाने के कारण शूटिंग को रोकना पड़ा है। पुष्पा फिल्म के ही आइटम नंबर ऊ अंटामा के ही रातों रात प्रसिद्ध के शिखर पर ही पहुंचे सामंथा ने ही घटना की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए दी है। चले रुक करते अगली खबर की ओर। पुलिस पर फायरिंग करने के मुकदमे में पूर्व विधायक को कोर्ट ने ही गवाह और साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। फरार चल रहे एक आरोपी की फाइल पृथक कर दी गई थी, और शहर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा AK सिंह 8 सितंबर 1991 को ही मोहल्ला सेनापति निवासी वांछित विमलेश की तलाश में फोर्स के साथ दबिश देने के लिए गए थे, और इसी दौरान मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह और मोहल्ला भावटोला निवासी साथी रमेश उर्फ टैया ने ही पुलिस को देखकर उनके ऊपर कई फायर किए। घटना को अंजाम देने के बाद पूर्व विधायक और साथी मौके से भाग गए थे। विवेचक ने ही छानबीन के बाद पूर्व विधायक विजय सिंह और रमेश के खिलाफ MPMLK कोर्ट में ही चार्जशीट दाखिल की थी, और पूर्व विधायक के वकील जितेंद्र सिंह चौहान ने मंगलवार को इस मुकदमे में गवाह और साक्ष्य को लेकर दलीलें दी है। न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने गवाह और साक्ष्य के अभाव में ही पूर्व विधायक को दोष मुक्त कर दिया है। सर, आज एक फैसला आया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि विजय सिंह के खिलाफ जो पूर्व विधायक हैं, यहाँ 3 बार विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ ये मामला 1991 में दर्ज कराया गया था। 7/8/1991 की रात में एक फर्जी घटना बताते हुए दर्ज कराया गया था कि पुलिस पार्टी वांछित अभियुक्तों की तलाश में जा रही थी, और ये अपने घर के बाहर चबूतरे पर अपने दोस्त रमेश टुइया के साथ बैठे हुए थे। पुलिस पार्टी को देखते ही इन्होंने फायर कर दिया, जिसका मुकदमा
एस आई ए के सिंह ने थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में दर्ज कराया था। इस मुकदमे में बी एस सिंह की गिरफ्तारी माननीय उच्च न्यायालय दृष्टि रही। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गुलर रोड पर देर रात एक अनियंत्रित कार बिजली पोल से टकरा गई और कार टकराने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। चले रुक करते अगली खबर की ओर। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में एक स्वर्ण कार की दिन दहाड़े मिर्ची झोंककर लूट किए जाने का प्रयास किया गया है और फिलहाल मिर्ची झोंककर 6 जोड़ी तोड़िया और इसके साथ ही आपको बता दें लूटकर भाग रहे एक लुटेरे को दुकानदार की मदद से स्थानीय लोगों ने पकड़कर मारपीट कर दी और बाइक सहित कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जयराम गली सांभर की बताई जा रही है, जहां पर सत्यवीर सिंह स्वर्ण कार की दुकान पर ही एक बाइक सवार पहुंचा और उसने पैरों की पायल दिखाने को बोला। काफी देर तो वो ऐसे ही पायल पसंद करता रहा। पुलिस की पूछताछ के बाद लुटेरा अपना नाम योगेंद्र कुमार निवासी गुड़गुड़ा थाना सोरो बता रहा है। सत्यवीर सिंह, जो आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? ये मेरे पास आए थे और पायल दुखाने का, मैं पायल दुखाई था, 8-10 मिनट दुखा चुका मैं उनको, तो घट्टी हो तो 15 सामने हमारे जिले का छीन भाग चलो मेरी आंखों में बेच चौंक दी उन्होंने, पहले मैं चौंक उसके बाद लेकर भागे गई एकदम, फिर मैंने भाग सो के अपनी चिंता न करते हुए सड़क पर मैं पड़ लिया। कितने लोग? अकेले थे ये। अब कहाँ है वो? अभी ये थाने में समय। फिरोजाबाद में मानदेय की मांग को लेकर नगर की आशाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं ट्रेनिंग दे रही आशाओं ने यूनियन आशा नेताओं से विवाद हो गया और ट्रेनिंग के बाद ही ब्लॉक की आशा कार से निकली थी और धरना में शामिल आशाओं ने कार घेर कर नीचे उतार लिया और जिसके बाद वहां हाथापाई हो गई। वहीं मौजूद चिकित्सक ने बड़ी मुश्किल से विवाद शांत करवाया है। वहीं मामला फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में ही शिकोहाबाद नगर की आशा यूनियन मानदेय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई है। वहीं ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र धनपुरा का कार्यालय भी जिला संयुक्त चिकित्सालय में है, जिसमें ब्लॉक शिकोहाबाद की आशाओं की ट्रेनिंग चल रही थी। नगर की आशा यूनियन धरने में शामिल करने को उनके पास पहुंची तो ब्लॉक की एक आशा से विवाद हो गया। नाम राजनाथ नंद है जी। क्यों आप धरने बैठे हैं? क्या आज जो हमारे प्रदेश की जो आशा वर्कर्स हैं उन लोगों को ना तो कोई वेतन समय से दिया जा रहा है और उनका टॉर्चर हो रहा है। हर कर्मचारी इनका हर सेंटर पर इनका टॉर्चर करता है, बिना पैसे लिए इनका पेमेंट नहीं होता है। मनीषा यादव, जिला अध्यक्ष जी। धरने पे आप बैठी हैं? क्या है? धरने पे बैठी हूँ कि हमारी आशाओं का पेमेंट टाइम से नहीं होता। महिलाएं भिड़ रही थी, गाड़ी को घेरे खड़े थी, क्या मामला है? हमको तो उसकी कोई जानकारी है नहीं। ये असल में आशाएं हैं, शायद शहर की अपनी किसी बात को लेके घेराबंदी कर रही है। उन्होंने हमारे स्टाफ की गाड़ी घेर ली थी, तो वही उसको उसमें छोड़ा। जालौन के माधवगढ़ में बालू खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है और 9 ओवरलोड ट्रक जब्त किए गए हैं। वहीं जब्त किए गए वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उप जिलाधिकारी माधवगढ़ आंगन यादव की अगुवाई में ही पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के रास्ते अवैध खनन परिवहन में लगे 9 ट्रक जब्त किए गए हैं। सर, आज माधोगढ़ में कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई हुई है और कितना माल है जो कुर्क किया गया है, क्या है पूरी? ये देखिए, जिस थाने में और तहसील में आप हैं, ये माधोगढ़ थाना क्षेत्र है, माधोगढ़ तहसील है, इसके सटे हुए मध्य प्रदेश की सीमा है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ अवैध बालू परिवहन एवं बालू खनन की समस्याएं आती थी, जिसके संज्ञान लेते हुए प्रशासन एवं पुलिस टीम ने कठोरतम कार्रवाई की है, जिसके तहत मुकदमा संख्या 142/22 पंजीक्रित हुआ है। तत्क्रम में कठोरतम कार्रवाई करते हुए माननीय जिलाधिकारी जालौन द्वारा संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें 9 ट्रक जिनके अनुमान। हरदोई में शिकायत की जांच करने गए एक कांस्टेबल को साइकिल स्टैंड संचालक ने ही पीट दिया है, जिससे सिपाही लहूलुहान हो गया। जख्मी सिपाही को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। दरअसल मारपीट के एक मामले की जांच करने के लिए सिपाही को भेजा गया था। ड्यूटी पर तैनात सिपाही मारपीट के मामले की जाँच के लिए मौके पर पहुंचा तो कहासुनी के बाद आरोपी ने उसकी लात घूसों डंडों से ही जमकर पिटाई कर दी और पुलिस ने सिपाही के साथ मारपीट करने वाले दबंग साइकिल स्टैंड संचालक के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। एक थाना कोतवाली का प्रकरण है जिसमें आरआर इंटर कॉलेज का एक छात्र जिसने शिकायत करी थी साइकिल स्टैंड की, उसमें थाना स्तर से कांस्टेबल प्रिंस कुमार और अन्य साथी वहाँ पर गए थे, जांच करने गए थे। उसमें स्टैंड के द्वारा जो है इसमें हाथापाई मारपीट की बात प्रकाश में आई है। उस प्रकरण में जो है मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई। पैसों के बारे में एक लड़के से उसकी मार पिटाई हुई तो उनके परिवारजनों ने एक थाने पर भी एप्लीकेशन दी और एक वहाँ के आरआर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जो हैं उनके पास भी एप्लीकेशन दी। तो मैं उनको लेकर के गया था, दोनों जिसने जिसके साथ मारपीट हुई थी उससे भी और जिस लड़के के साथ हुई थी उसको भी, लेकिन लड़के के परिवार वालों ने कहा कि हम पुलिस कार्रवाई करवाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि चल भाई, जब नहीं मानते तो कि तू थाने चल। बस इसी बात पर वो लड़ाई करने लगा, मारने पीटने लगा और मेरा कान काट लिया उसने। फिरोजाबाद में अपने मौसी के घर घूमने आई एक किशोरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। किशोरी की मौत के बाद घर में हितमातम छा गया और वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।